परेशानी बन गई है, फिर तबियत अचानक खराब की थी। वाल दोबारा मैं दर्द उठे रात वाल दोबारा अस्पताल जा के गई हूँ। तो डॉक्टर आके मैं इन्हें दवाया नहीं देता, पहले इन्हें टेस्ट लिख दिते से आके से वो करावो। तो टेस्ट मैं करा आई हाँ, तो सवेर की छुर भुखी है, मैं खीर के डब्बा रोटी आगे से नरम गिजा दो, जो खिचड़ी भाई पतली पतली बना के देखो, जा भाई खीर के डब्बा रोटी के पा पे भाई ये देखो भाई रोटी नहीं दे रही खाली कुछ भी। पानी देवा करिए, पानी देवा करिए। हमले को मेरे बहन भाइयों, रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे मैदे में दर्द है, तो अभी जो है ना मैं ये खा लेती हूँ, तो बाकी बात आपसे बाद में करूँगी। जिधर दुआ करो टाइमिन जल्द जल्द ठीक थी वे, अल्लाह पाक की सुख सेहत देवे, अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को सुख सेहत देवे, उन्होंने बच्चों को भी कामयाब करे। तो मेरी वड़ी बेटी भी घर रही है, इन्हें अचानक मैदे दर्द उठे रात ही ना, अचानक मैदे दर्द उठे देखो डॉक्टर को घिन गया, वहाँ से इन पहले रिपोर्ट कराओ वाल दवाया भाई, मैं जैसे इन्हें भाई मैं कोई दवाया नहीं देना, तो कल मैं काम दे देनी हाँ, घर का गुजारा मुश्किल थी, भिंडिया दे देनी हाँ, जा भाई दिहाड़ी दे देनी हाँ। तो जब इन अचानक तबीयत खराब थी वही है, तो तुसा साड़ी सपोर्ट करो, जान मान दिए इको कल मैं नहीं छोड़ सकती, अजकल हालात किमें चल रहे थे, आप बहन भीराव को पता है, तो एक बंदे नाल घर का किराया भरा, बिजली का बिल भरा, आटा गिना, आटा एडा महंगा थिया खड़े, हूँ आटा इतना महंगा है, किलो आटा दो किलो गिना तो पता ही नहीं चलता गया कि सारा घर का निजाम जरा गुजारा बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हर कहीं को रोजी रस के बरकत पावे, अल्लाह का पाक हर कहीं को देवे, तो मेरे तो बहुत मुश्किल मुश्किल वाले दिन है, तो अल्लाह ताला हर कहीं ना मुश्किल दूर करे, अल्लाह ताला सारे में मुश्किल दूर करे।
अल्लाह पाक हर तो इनको खुश आबाद रखे। तुम दुआ करो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी सुख। तो मेरे बहन भाइयों, रात को जो मेरे मैदे में दर्द उठा था तो इतना दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था और सांस भी नहीं आ रहा था। फिर मेरी अम्मी जो है ना, मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई हॉस्पिटल किसी ना किसी तरह से। तो वहाँ पर मैं गई हूँ तो डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए हैं, तो फिर थोड़ा जो है मेरा मैदे का दर्द कम हुआ है। फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने मुझे दवाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि आप जो तरह तरह के डॉक्टर से इनकी दवाई लेते रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ नुकसान है। तो उन्होंने मेरी अम्मी को टेस्ट लिख कर दिया था, फिर मेरी अम्मी ने टेस्ट करवाया है मेरा। तो जो है ना, टेस्ट में उन्होंने रिपोर्ट पढ़ कर बताई है कि इसका जो बच्ची का मैदा है वह बिल्कुल ही अंदर से गल चुका है और उसका अब कवर करना ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है। अगर ज़्यादा गल गया तो उसका ऑपरेशन होगा। तो ने मेरे लिए दुआ करनी है और हम भी हर मोमिन मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ करते हैं। तो आप मेरी रिपोर्ट देख लें, मम्मी दिखा लें। रिपोर्ट करवा ली है और ये डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं टेस्ट के रिपोर्ट को देखकर। उन्होंने कहा है कि ये मैदे की दवाइयाँ हैं, ये जो है ना खानी है और सिरप भी दी है, ये गोलियाँ भी दी हैं। तो अभी और भी मैंने लेनी है, तो ये डॉक्टर ने भी दी हैं कुछ अपने से। तो आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है। पहले भी इतने सारे दवाइयाँ खाती रही हूँ तो उसकी वजह से भी मैदे में दर्द उठ गया, उल्टी सी आती है मुझे, गोलियों वाला मुँह में जायका हुआ है। इतने गोलियाँ मैंने, इतने कैप्सूल खाई हैं हद से ज़्यादा, इससे मेरे उल्टी वाला हो गया, मेरे तबीयत इतनी ख़राब रहती है। बस अल्लाह पाक रहम करे। मेरी अम्मी जो है अकेले कमाने जाती हैं तो एक अकेले बंदे से तो घर का गुजारा नहीं होता, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है और हमारे चैनल की भी सपोर्ट करनी है। तो आप लोगों ने जैसे पहले सपोर्ट करते रहे वैसे आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है। और जो है ना, हमें खुदा हाथ करा एक ड्रिप मुझे आज लगी है सुबह और एक दो तीन दिन बाद उन्होंने कहा कि आपने फिर से लगवानी है। तो बस आपकी दुआ की ज़रूरत है, मेरे लिए दुआ करनी है। इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।